ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है जब ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसी एक्सपीरियंस ही बंदा बताता है जो कि रो रखा है ना ये चीजें कर करके, कोई बंदा बता पाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं की फिजिक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूं, ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि ये चैप्टर है, इन चैप्टर में इतना टाइम लगेगा, इतनी देर में सिलेबस खत्म हो जाएगा और ये स्ट्रेटेजी है तुम्हारी, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। इससे भी ऊपर, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो मैं मानता हूं कि यार जब मैं क्लास 11th में एंटर कर रहा था तो मेरे को कोई बता देता तो मेरी कक्षा 11वीं बर्बाद नहीं होती। ये सारी हम यहाँ पे बातें करेंगे। सबसे पहले यार कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में बता दूं, ठीक है, जिसने मेरे कॉन्सेप्ट्स की धज्जियां उड़ा दी थी क्लास 11th में। एक बहुत बड़ी मिस्टेक क्या थी कि भाई मैं कक्षा 11वीं में अपनी कोचिंग में पढ़ता था, भाई कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो जा रहे हैं क्लास में जा रहे हैं, सर ने कुछ नोट्स लिखवाए, वो नोट्स लिख लिए, फिर उसके बाद सर ने जब क्लास खत्म हो रही होती है तो कुछ होमवर्क दे देते हैं कि भाई अपना जो मॉड्यूल है इसका क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक करके आ जाना। भाई सर ने लिख के, हमने कहा कौन सी बड़ी बात है, 10 सवाल 20 सवाल बस कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। भाई गए अपने हॉस्टल तक, हॉस्टल में जाने के बाद खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद अपनी जो स्टडी टेबल होती थी कुछ इस तरह से रखी रहती थी, उसमें मैं क्या करता था ना कि ये अपनी स्टडी टेबल है, इस स्टडी टेबल में इधर तो मैंने रख दिया अपने नोट्स, ठीक है, इधर अपने मैंने रख दिया नोट्स, बीच में मैंने अपनी रख दी जो मॉड्यूल दे रखी है कोचिंग वालों ने जिसमें से मेरे को क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करने हैं, ये 30 मान लें, और यहां पे मैं रख लेता था अपने रफ कॉपी, ठीक है, जिसमें मैं आपसे सवाल सॉल्व करूंगा। और भाई हम यहां पे आगे बैठ गए और अब हम करेंगे अपने सवाल सॉल्व। मैं क्या करता था, सर ने दिया है क्वेश्चन नंबर 10, कुछ नहीं नोट्स वोट्स कुछ नहीं पढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 देखा, भाई 10 क्या है, अच्छा ये सवाल है, ऐसा क्या सर ने कुछ करवाया है, उठाया हम नोट्स में देखने लगे, सर ने ऐसा कुछ करवाया, अच्छा ये करवाया है, ठीक है ये फॉर्मूला लगा है, लिखा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, समझ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 11 देखा, अच्छा इसमें क्या है, चलो नोट्स में देखते हैं कैसे ये वाला सवाल होगा, सर ने कुछ फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है ये फॉर्मूला पुट करा, हो गया, ठीक है तीसरा नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इस तरह से सर ने कोई सवाल करवाया ही नहीं, ये तो नया सवाल आ गया, सर ने नहीं करवाया, चलो भाई इस पर गोला लगा दो, ये हमसे नहीं हुआ, फिर टिक मार दिया, गोला मार दिया, इस तरह से अपनी भाई मॉड्यूल सॉल्व करी रफ कॉपी में, जहां जहां पे टाइम मिला, जहां जहां पे जगह मिली सॉल्व मारी, हो गया भाई होमवर्क और हम खुश, ठीक है अपना 1-2 घंटे में होमवर्क खत्म, और मैं सोचता था बहुत बढ़िया भाई अपना होमवर्क खत्म हो गया। सबसे बड़ा ब्लंडर था मेरे 11वीं का, ये सबसे बड़ा ब्लंडर, ये तो छोड़ो इससे भी और बड़ा ब्लंडर बताता हूं तुम्हें, ये जो गोले पड़े हुए हैं ना, ये आज भी मैं अपने मॉड्यूल उठाऊंगा, आज भी अपनी शूट उठाऊंगा तो इसमें गोले ही पड़े रहते हैं, आज भी वो गोले कभी सॉल्व नहीं हुए, क्यों, क्योंकि क्लास में मैं डरता था, क्लास में सोचते थे यार कि यार बेइज्जती हो जाएगी अगर हम कोई सवाल पूछ लेंगे, और मान लो सर ने कोई सवाल बता भी दिया, सर ने कहा चलो ठीक है, हमने थोड़ा जोश उठा के कि भाई सर सवाल नंबर 3 बता दो, ये हमसे नहीं हुआ, तो सर ने वो सॉल्व भी करवा दिया, फिर सॉल्व करने के बाद उसको वापस आके घर पे देखा ही नहीं, ठीक है, तो वो गोले ही रह जाते हैं, आज तक वो गोले सॉल्व नहीं हुए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जितना थ्योरी और कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा देती है इतना सवाल नहीं सिखाते। थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारी क्लियर है, अगर थ्योरी और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह आती है ना, तो भाई तुम कोई भी 100 सवाल कर दोगे, बट हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं, फिर नोट्स में देखते हैं सर ने कुछ ऐसा करवाया है, चलो ठीक है करवाया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया और हो गया, ऐसे नहीं होती है फिजिक्स, ऐसे नहीं होगी। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसको हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम इसको भाव भी नहीं देते, हम सोचते हैं छोटी सी चीज है कभी भी लेटे लेटे पढ़ लेंगे, इतनी ज्यादा प्यारी बुक है, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है। मैंने कक्षा 12वीं थी अपनी, ठीक है बोर्ड का एग्जाम था, मात्र 1 महीना बचा था, उस मात्र 1 महीने में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गया था और 92 नंबर आए थे फिजिक्स में। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अपने सीनियर से पूछना 12th वालों को कि कितना मुश्किल होता है नंबर स्कोर करना बोर्ड के एग्जाम में, खाली एनसीईआरटी पढ़ने से हो गई थी, इतनी महत्वपूर्ण चीज है, बट हम क्या करते हैं इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, हम सोचते हैं इसे बाद में पढ़ लेंगे, पहले कोचिंग का मटेरियल पढ़ लेते हैं, पहले कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं, कोचिंग की हर चीज कर लेते हैं, आरडी शर्मा तो होती नहीं इसमें, एचसी वर्मा कर ली, रूडोल्फ कर ली, ये सारी बुक कर लेंगे, एनसीईआरटी तो बाद में पढ़ेंगे। बड़ा ब्लंडर है ये, बहुत बड़ा ब्लंडर, इसे कभी भी एनसीईआरटी को कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये तो दिमाग में लिख लो एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरी चीज भैया, ठीक है आपने ये बोल दिया कि ये तो गलत है, नोट्स गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना तुम्हें, अब ये तो बता दो क्या क्रोनोलॉजी रखें, किस तरह से पढ़ना है ये भी तो बताओ। मैंने बहुत बार बता भी रखा है, सबसे पहली चीज जो है तुम्हारी वो ये है कि तुम्हें एनसीईआरटी अपने जो तुम्हारा वो होता है ना लेक्चर हो रहा है, मान लो तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी क्लास से पहले तुम्हें बिफोर क्लास एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, ठीक है बिफोर क्लास तुम्हें एनसीईआरटी रीड करके जानी है, सबसे पहला स्टेप है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने बता रखी है कि मान लो तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आ गया जो तुम्हें समझ में नहीं आया एनसीईआरटी रीड करते वक्त, ठीक है, तो दिमाग में तुम्हारे कॉन्सेप्ट आ गया, अब जब तुम लेक्चर में पढ़ रहे हो तो तुम अटेंटिव रहोगे कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरे को रीड करने पर समझ नहीं आया, तो अब सर समझा रहे, सर अब एक बार समझ लेता हूं नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा,
समझ रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंस होती है पहले रीड करने जाने की। या तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या फिर तुम्हें कोचिंग ने कोई मॉड्यूल दे रखा हो जिसमें थ्योरी हो तो वो भी पढ़ सकते हो। देन इसके बाद जब तुम क्लास से आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं भागना, क्वेश्चन बहुत बात की चीज है। सबसे पहला चीज होगी तुम्हारी नोट्स, ऐसे रट लेना कि तुम्हारे सामने छप जाए। मैं कभी नहीं बोलता यार किसी भी चीज को रटने के लिए, बट नोट्स को मैं बोलूंगा हाँ रटना होता है रटना, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें तुम्हारे आंखों के सामने होना चाहिए, एक एक सवाल तुम्हारी आंखों के सामने होना चाहिए। जब भी तुम मान लो तुम मॉड्यूल का नंबर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नंबर 4 में जो कॉन्सेप्ट है ना, जो नोट्स में लिखाया है, वो दिमाग में अपने आप पेज सामने आ जाना चाहिए। और ये होता है, हाइपोथेटिकल बातें नहीं बता रहा, होता है, ऐसा करते हैं सब। अच्छी तरह नोट्स रिवाइज करना है, मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है। हर अगली चीज क्या होगी तुम्हारी, नोट्स में रिवाइज करने हैं, ठीक है। मिनिमम 2 बार तुम्हें नोट्स को रिवाइज करना है बिफोर डूइंग योर मॉड्यूल्स। 2 बार, एक बार रात को कर लिया, फिर सो गए, सो उठने के बाद एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। तीसरी चीज जो तुम्हारी होगी अब होगी मॉड्यूल्स, ठीक है। अब तुम्हें अपना मॉड्यूल सॉल्व करने या फिर जो भी तुम्हारे क्वेश्चन बैंक या फिर कुछ चीज दी है सर ने तो वो तुमने सॉल्व मार दिए। ये तुम्हारा हो गया एक क्रोनोलॉजी, यहीं पे बात नहीं सीमित होती है, यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात आती है टिक और गोला। इसका मतलब क्या है, मैंने बता रखा है कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सवाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तुम्हें सवाल दिए हैं, तुमने क्या करा, यहां पे अपनी एक कॉपी बना रखी है, ठीक है। रफ कॉपी कभी मत बनाना, बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। रफ कॉपी कभी नहीं बनानी है, एक पूरी एक डेडिकेटेड नोटबुक खरीद के लानी है, उसी में पूरी अपनी शीट या फिर जो मॉड्यूल है वो सॉल्व करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मत सोचो कि इसको तो कहीं रफ में सॉल्व कर लेंगे, नहीं। अभी आगे आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया सर ने, ठीक है, 1 देखा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करा है, यहाँ पे आंसर नंबर 1 लिखा, यहाँ पे हमने सॉल्व मार दिया। क्वेश्चन नंबर 2 सर ने दिया है, आंसर नंबर 2 लिखा, सॉल्व मार दिया, ये भी हो गया टिक मार दिया। क्वेश्चन नंबर 3 सर ने दिया है, गोला मार दिया क्योंकि नहीं हुआ हमसे, ठीक है। मान लो तुम कर रहे हो, करते करते तुम आधे में अटक गए, तुमसे यहां नहीं हुआ, ठीक है। ये तुम्हारी पूरी नोटबुक है और इस नोटबुक के हर एक पन्ने पे पेज नंबर लिखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ऐसे करके हर एक पेज पे। तुम कहोगे भैया क्या पूरे बैठ के लिखेंगे, नहीं, बार बार बैठ के लिख रहे हो, जब भी जिस पन्ने पे आ रहे हो उस पर ऊपर नंबर लिख दो आगे वाला, समझ गए। अब जो नंबर है पेज नंबर, वो पेज नंबर तुम्हारे यहां आ जाना चाहिए कि तुमने पहला नंबर क्वेश्चन यहां पेज नंबर 1 में सॉल्व करा है, ऐसे गोला मार दो। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी पेज नंबर 1 में सॉल्व करा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 1 में सॉल्व करा है बट सॉल्व नहीं हुआ इसलिए गोला मार रखा है। थोड़ी सी बात क्लियर हुई, ये क्यों कराया हमने, भैया क्यों पेज नंबर लिखवा रहे हो, इतनी बड़ी कौन सी चीज हो गई। जब तुम बाद में मान लो शीट सॉल्व कर रहे हो, मान लो बाद में उस बुक को सॉल्व कर रहे हो, मान लो बाद में उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हो, और तुम अटक गए मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा यार इसका सॉल्यूशन तो मैंने कर रखा था। बट अगर मैंने ये क्वेश्चन अपना रफ कॉपी में कर रखा होता तो मैं तो ढूंढते रह जाता, जिंदगी बीत जाती। हमारी बात ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, जब मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये ऐसी एक्सपीरियंस ही बंदा बताता है जो कि रो रखा है ना ये चीजें कर करके, वही बंदा बता पाएगा। तो मैंने इसलिए ऐसा करा कि मैंने कहा भाई पेज नंबर लिख देते हैं और ये लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 1 पे सॉल्व करा है, तो मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, मेरे से नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन मैंने पेज नंबर 1 पे लिखा है, गया कॉपी में पेज नंबर 1 पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ढूंढने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो पन्ने ही पलटते रह जाओगे। सच में होता है ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चन करते हो तुम, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी की तरह 20-25 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे तुम एक एक जो एक एक चैप्टर है उसके 100-150 क्वेश्चन कर रहे होगे, हो जाता है सब चीज, ठीक है। ऐसे हम इसको करेंगे। टिक और गोली वाली बात समझ में आ गई। अगली चीज होती है स्टार मार्क। जो क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट लगा है जो कि शायद तुम्हें लगता है कि भाई ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर ये मेरे को बाद में भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, उसको क्या तुमने मान लिया, स्टार मार्क मान लिया, ठीक है। ऐसे स्टार मार्क मान लेते हैं, क्या फायदा होगा भैया इससे, बहुत बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। हमारे क्या होते थे, संडे को टेस्ट होते थे, तो भाई मान लो अगर संडे को टेस्ट हो रहे हैं ना, तो जब हम नए नए गए थे कोटा में तो पहला या दूसरा टेस्ट था, तो हमने क्या सोचा कि भाई ये चैप्टर आ रहे हैं, ऐसा करेंगे फ्राइडे को बैठ के ना पूरी शीट मार देंगे, पूरी शीट पूरी मॉड्यूल एक बार कर लेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट देने जाएंगे। कितना बड़ा ब्लंडर है। अगर मैंने उस समय स्टार मार्क लगा रखे होते क्वेश्चन, तो मैं सारे क्वेश्चन क्यों करने बैठता, ये सारे क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जिसमें स्टार मार्क है, ये थोड़े से हटके क्वेश्चन है। तो जब भी तुम रिवाइज करोगे पहली चीज क्या होगी तुम्हारी, ये तुमने नोट्स रिवाइज मार दिए जो कि तुम्हें कोचिंग में लिखवाए गए हैं। नोट्स रिवाइज करने के बाद तुमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो स्टार मार्क मार रखे हैं वो एक बार रिवाइज कर लिया, समझ रहे हो बात को, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। बैठ के तुम पूरी शीट सॉल्व करने नहीं बैठोगे जब भी तुम्हारा पेपर हो गया, जब भी तुम्हारा कोई टेस्ट होगा, सिर्फ स्टार मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए,
इतना तो, ये तो चलो मैंने टेस्ट की बात कर दी, जब लास्ट का एग्जाम का टाइम आता है ना तब इतने सारे क्वेश्चन है, हर एक पूरी शीट सॉल्व करने बैठोगे, पूरे मॉड्यूल सॉल्व करने बैठोगे, एक चैप्टर के 150-150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं ना। तो जिस बच्चे ने पहले से स्टार मार्क लगा रखे होंगे वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करके चला जाएगा, उसका टाइम भी बचेगा, उसकी अच्छी रिविजन भी हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो ये आ गया तुम्हारा स्टार मार्क वाली चीज, ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हैं यार मैंने। अगली चीज आ गई एचसी वर्मा, इसके बारे में तो क्या ही बोलूं यार, ये बुक है अगर किसी को नहीं पता, एचसी वर्मा नाम की एक बुक आती है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, बाइबल है ये, ठीक है, ये बाइबल है फिजिक्स के लिए। इतने प्यारे क्वेश्चंस, इतने अच्छे क्वेश्चंस लिख रखे हैं इसमें, ठीक है, सर ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें लिख रखे हैं कि जब तुम एक्सरसाइज देखोगे तो लेवल अप होता रहा है, पहले बेसिक लेवल, फिर उसके बाद ऊपर 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 जाते हुए। ऐसे ही तुम एग्जांपल्स देखो कि कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इतना दिमाग लगता है। तो अगर किसी के पास ये नहीं है तो इससे तो खरीद लेना, ठीक है, ये तो होनी चाहिए, मस्ट है ये। तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद तुम्हें एचसी वर्मा लगानी है पक्का, ठीक है, बात बांध लो बिल्कुल दिमाग में, ठीक है। और एचसी वर्मा में मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, अगर तुम्हें देखना है कि कैसे कैसे सॉल्व करनी है, पहले एक्सरसाइज करना है, पहले एग्जांपल्स करने हैं, क्या चीजें करनी है, ठीक है, ज्यादा मैं इसमें नहीं बोलूंगा अभी, ये तो जरूर करनी है, चैप्टर खत्म हो गया तो ये करनी है, बस इतना समझ लो। अगली चीज आती है डाउट्स, डाउट्स का मतलब ये जो गोला है गोला ना रह जाए, बेशरम हो जाओ क्लास में, समझ में नहीं आ रहा है तो सर रोको, सर मेरे को नहीं आ रहा समझ में, वापस पढ़ाओ, बेशरम हो जाओ भाई, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा चुभती हैं ये चीजें, पहले बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार भैया इतनी सारी क्लास बैठी है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हें बताऊं बात, मेरी क्लास में जो हमारा बैच था उसमें एक बच्चा था, बहुत डाउट पूछता था, बहुत इतने डाउट, मतलब हम भी उससे बोलते थे भाई बस यार इतने डाउट कहां से आते हैं तेरे पास, क्यों इतने डाउट पूछता है, बच्चे उसके मजाक उड़ा रहे हैं, जब वो आता था उसके अलग अलग नाम लेके पुकार देते। आज वो आईआईटी खड़गपुर में है, चिढ़ा लो अब जाके, अब बोलो जाके ना, अब क्या बोलोगे, अब तो बैठा ऊपर, क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में जो भी डाउट आता था वो ऑन द स्पॉट उसने क्लियर कर लिया, उसको अगर ये क्वेश्चन में डाउट था तो उसने कहा सर इसे क्लियर करो, ये वाला सॉल्व नहीं हुआ, इसमें क्या गलती है मेरी, एक बार देखो और बताओ, तो उसने डाउट अपना सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद घर जाके मान लो उसने देखा कि भाई क्वेश्चन नंबर 4th नहीं आता उसे, तो सर पे गया, सर के पास, सर ने सॉल्व करके दिखा दिया, अब घर आया और वापस अपने आप सॉल्व करके देखा कि भाई इसमें क्या गलती थी, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। हम क्या है ना यार, मैं तुम्हें बताता हूं, उठाई भाई बुक उठाने का 90% बच्चे, उठाई बुक, सवाल सॉल्व करा, पहला करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा नहीं हुआ, उठा के सॉल्यूशन उठा लिया, फिर दिमाग में आता अरे यार बस यही फॉर्मूला तो लगना था, ये दिमाग में क्यों नहीं आया, अबे क्यों नहीं आया दिमाग में, सोचो तो, बस सोच लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूला क्लिक नहीं करा बस इसलिए, नहीं तो हो जाता, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं क्लिक करा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और डाउट आ रहा है तो उस बेसिक को उठाओ और वापस पढ़ो, दम लगाना पड़ता है यार, अपनी फाइट तो मारनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा काम, समझ गए बात को। ये डाउट वाली क्लियर हो गई, डाउट पूछने हैं, कुछ भी हो जाए पूछने हैं, आज हंसेगा कोई बाद में नहीं हंसेगा, बाद में सारे देख के रोएंगी, ठीक है। अगली चीज शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने होते हैं यार, हर एक मान लो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है कोई चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और उसके मान लो 10 लेक्चर्स में वो खत्म होगा, तो हर 2-3 लेक्चर्स के बाद, मान लो 2-3 लेक्चर हो गए, हर 2-3 लेक्चर के इंटरवल पे अपने बीच बीच में एक शॉर्ट नोट्स का पन्ना बना लो, उस शॉर्ट नोट्स में आगे आगे लिखते रहो, ऐड करते रहो। अब भैया दिमाग में आती है चीज बच्चों के कि भैया ये शॉर्ट नोट्स में तो कई बार मन करता है सारी चीजें लिख दूं, थोड़ा दिमाग पे थोड़ा दिल पे काबू कर लो, हर चीज नहीं निकली होती है, सिंपल जो तुम्हारे फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले के साथ कोई ऐसा सवाल है जो कि उस फॉर्मूले में, जो कि जिस सवाल में वो फॉर्मूला लग रहा है, वो सवाल और वो फॉर्मूला छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखो। फर्रे बनाया कभी? शायद नहीं बनाया हो, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं हम एक पेज, क्या करना ना कि ये पेज है, ठीक है, इस पेज में ऐसे लिया, एक फोल्ड मारा और एक और फोल्ड, एक फोल्ड ऐसे मार दिया और एक फोल्ड हमने ऐसे मार दिया, तो ये पेज अब 6 पेज बन गए। इस पूरे पेज में तुम्हारा पूरा चैप्टर आ जाना चाहिए, इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने अपने, समझ गए, ऐसे बनने हैं शॉर्ट नोट्स कि भाई जब भी तुम्हारा एग्जाम का टाइम हो, तो मान लो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कम टाइम है तो तुमने लिया बस इसमें जल्दी जल्दी फॉर्मूले लिखे हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, कुछ कुछ ट्रिक्स लिखी हैं, वो सारी रिवाइज करी और चले गए, ठीक है। ऐसे ऐसे बना लेना हर एक चैप्टर के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, जब एग्जाम का टाइम आता है ना तो सबसे ज्यादा जीत उसी बच्चे की होती है जो कि शॉर्ट नोट्स बना के बैठता है, ठीक है, नहीं तो बच्चे बस नोट्स पढ़ने बैठ जाते हैं 100-100 पन्नों के नोट्स, उससे बढ़िया एक पन्ने में अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, हर 2-3 लेक्चर के इंटरवल पे अपने शॉर्ट नोट्स को ऐड करते रहो, ठीक है, पहले 2 लेक्चर में जो पढ़ाया लिख दिया इसमें, फिर उसके बाद इसे रख दिया, फिर उसके बाद 2 लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर के बाद जो सर ने पढ़ाया उसको और शॉर्ट करके आगे बढ़ा दिया, फिर उसके बाद आगे ऐड करते गए, इस तरह से हम अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 12th में बनाए थे, 11th में नहीं बनाए थे, और 11th इसलिए बर्बाद हुई थी, 12th बहुत अच्छी गई थी,
समझ गए बात को। ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को अपने एक्सपीरियंस में लगी, तुम्हें इंपॉर्टेंट है बतानी, सारी मैंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, दम लगा के पढ़ाई करो यार ग्यारहवीं में। ठीक है, मुश्किल क्लास है बट ठीक है, डर लगता है लोगों को बट डर के आगे जीत है। ठीक है, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह पढ़ो यार। ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, पढ़ते रहो और ये सारी चीजें जो भी बोली है नोट डाउन कर लेना और इनको इंप्लीमेंट करना है यार। वीडियो देख के चले जाने से कुछ नहीं होगा, मेरे खाली एक व्यू बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है इस वीडियो से तो मेरा एक व्यू भी कुछ काम का नहीं है, मेरे 1,00,000 व्यूज भी कुछ काम के नहीं है। ठीक है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे 1,00,000 व्यूज है या फिर एक व्यू है, पर अगर एक भी व्यू आ रहा है तो वो बच्चा इसको देखने के बाद कुछ कर ले, बस इतना ही मन में होता है वीडियो बनाने से पहले। बाय, करो क्या पढ़ लो।